नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह महासागरीय लवणता के अंतर्गत विभिन्न समुद्रों में जल की लवणता कैसी है, साथ ही उसका क्षैतिज और लंबवत वितरण किस प्रकार का है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र का पानी जो है वह हमेशा खारा होता है, परंतु पहले भी मैंने बताया है कि लवणता सब जगह एक समान नहीं होती है। भिन्न भिन्न समुद्रों में लवणता भिन्न भिन्न होती है, परंतु उस लवणता को बनाने वाले नमकों का अनुपात जो होता है वह सदा एक सा रहता है। साधारणतः जितने भी समुद्र जल की लवणता को प्रति हज़ार भागों में प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार समुद्र जल की औसत लवणता 35 प्रति हज़ार ग्राम है। लवणता में अंतर जो है वह क्षैतिज और लंबवत दोनों रूपों में होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्षैतिज वितरण के बारे में। महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को अक्षांशों के आधार पर प्रकट किया जाता है। इसके अलावा प्रादेशिक वितरण पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे प्रादेशिक वितरण में प्रत्येक महासागर की लवणता को अलग अलग बताया जाता है। साथ ही सीमांत सागरों जैसे खुले, बंद, आंशिक बंद और लवणता के वितरण पर भी ध्यान दिया जाता है। अब सबसे पहले है अक्षांशों के अनुसार लंबवत वितरण, लवणता का वितरण। महासागरों में लवणता की मात्रा उसके वितरण पर अक्षांशों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः जो भूमध्य रेखा है उससे ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता घटती है। हालांकि भूमध्य रेखा पर साल भर ऊंचा तापमान पाया जाता है और वाष्पीकरण की मात्रा भी अधिक होती है, फिर भी यहाँ सदैव होने वाली भारी वर्षा के कारण लवणता कम हो जाती है। पहले मैंने आपको बताया था कि वाष्पीकरण से स्वच्छ जल उड़ जाता है और लवणता बढ़ जाती है। तो भूमध्य रेखा पर वाष्पीकरण तो ज़्यादा होता है, लेकिन साथ साथ वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए स्वच्छ जल भी मिलता है, फिर भी यहाँ पर लवणता जो है वह कम ही पाई जाती है। यहाँ पर लवणता की मात्रा 34 प्रति हज़ार ग्राम रहती है। इसके विपरीत उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर आकाश जो है वह साफ रहता है, उच्च तापमान रहता है, उच्च वाष्पीकरण के साथ साथ वायुमंडल की आर्द्रता जो है वह भी कम होती है। यहाँ लवणता की मात्रा 36 प्रति हज़ार ग्राम पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता 35 प्रति हज़ार ग्राम रहती है। दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता में कमी हो जाती है। इन क्षेत्रों में लवणता उत्तरी गोलार्ध में 31 प्रति हज़ार ग्राम तथा दक्षिणी गोलार्ध में 33 प्रति हज़ार ग्राम पाई जाती है। सॉरी, ध्रुवों के समीप हिम के पिघलने से जल पूर्ति हो जाने के कारण लवणता में और कमी हो जाती है। समस्त उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता 34 प्रति हज़ार ग्राम तथा दक्षिणी गोलार्ध में 35 प्रति हज़ार ग्राम रहती है। अक्षांशीय वितरण के आधार पर महासागरों में लवणता के चार क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला है विषुवत रेखीय कम लवणता वाला क्षेत्र, अयनवर्तीय अधिक लवणता वाला क्षेत्र तथा शीतोष्ण कटिबंधीय कम लवणता वाला क्षेत्र तथा ध्रुवीय और उपध्रुवीय न्यूनतम लवणता वाला क्षेत्र। अब इस सारणी में आपको अक्षांश के आधार पर लवणता बताई गई है। फिर है प्रादेशिक वितरण। प्रादेशिक वितरण के अंतर्गत महासागरों में लवणता का वितरण जो है वह अलग अलग रूप में किया जाता है। विभिन्न लवण मंडलों के अनुसार जेनकिंस ने विभिन्न सागरों की लवणता के आधार पर तीन प्रदेश बांटे हैं। सबसे पहला है सामान्य से अधिक लवणता वाले प्रदेश, दूसरा है सामान्य लवणता वाले प्रदेश और तीसरा है सामान्यता से कम लवणता वाले प्रदेश। तो सबसे पहले है सामान्य से अधिक लवणता वाले प्रदेश। इसमें लवणता का जो औसत है वह 37 प्रति हज़ार ग्राम से 41 प्रति हज़ार ग्राम तक पाया जाता है और इसके अंतर्गत लाल सागर जिसमें कि 37.41 प्रति हज़ार ग्राम, दूसरा फारस की खाड़ी जिसमें 37 से 38 प्रति हज़ार ग्राम, तीसरा भूमध्य रेखा जिसमें 37 से 39 प्रति हज़ार ग्राम लवणता पाई जाती है। फिर है ख सामान्य लवणता वाले प्रदेश। इन प्रदेशों में लवणता का औसत 35 से 36 प्रति हज़ार ग्राम पाया जाता है
और इसके अंतर्गत कैरेबियन सागर 35 से 36 प्रति हज़ार ग्राम, वास जल संधि 35.5 प्रति हज़ार ग्राम, तथा तीसरा कैलिफोर्निया की खाड़ी 35 से 35.5 प्रति हज़ार ग्राम तक पाई जाती है। तीसरा है ग सामान्य से कम लवणता वाले प्रदेश। इन प्रदेशों में लवणता का औसत जो है वह 20 प्रति हज़ार ग्राम से 35 प्रति हज़ार ग्राम के मध्य में रहता है। और इसके अंतर्गत जो है वह निम्नलिखित सागर आते हैं: आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस सागर, जापान सागर, चीन सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया सागर और अंडमान सागर प्रमुख हैं। फिर है महासागरीय लवणता का लंबवत वितरण। महासागरों में गहराई के साथ साथ लवणता के वितरण में कोई एकरूपता नहीं देखी जाती है। महासागरों में लवणता कहीं गहराई के साथ घटती है तो कहीं बढ़ती हुई देखी जाती है। जैसे भूमध्य रेखा के समीप सतह की लवणता 34 प्रति हज़ार ग्राम होती है, जबकि गहराई में जाकर ये बढ़ जाती है और 35 प्रति हज़ार ग्राम हो जाती है। इसी तरह इसके विपरीत 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप सतह की लवणता 37 प्रति हज़ार ग्राम रहती है, किंतु गहराई में यह घटकर 35 प्रति हज़ार ग्राम हो जाती है। इसी तरह दक्षिणी अटलांटिक के दक्षिणी छोर पर सतह की लवणता 33 प्रति हज़ार ग्राम, जबकि 200 फैदम की गहराई पर 34.5 प्रति हज़ार ग्राम तथा 600 फैदम की गहराई पर 34.75 प्रति हज़ार ग्राम हो जाती है। यानी ये स्पष्ट है कि गहराई के साथ साथ लवणता के घटने बढ़ने में बड़ा विरोधाभास पाया जाता है, किंतु फिर भी निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ साथ लवणता में वृद्धि होती है, जबकि भूमध्य रेखा के निकट पहले लवणता बढ़ती है और फिर पुनः गहराई के साथ घटती है। मध्य अक्षांशों में भी 200 फैदम तक लवणता बढ़ती है और इसके बाद पुनः घटती है। तो ये तो था विद्यार्थियों समुद्री लवणता का क्षैतिज और लंबवत वितरण। धन्यवाद विद्यार्थियों।